तबाह होने की बारी अब तुम्हारी है। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे ओबी-वैन केनोबी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इनकी सीजन के व्यूज काउंट के बारे में कि क्या अब तक अपडेट रहा, क्योंकि दोनों सीरीज मैं देख चुका हूं जिसमें कि सीजन 4 स्ट्रेंजर थिंग्स के 7 एपिसोड काफी ज्यादा कमाल के थे और अभी भी 2 एपिसोड आना बाकी है जो कि जुलाई में रिलीज होंगे। सच बात करूं तो भाई, इस सीरीज ने मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा दिया है। मैं इसके बारे में सोचता रहा 2 दिन तक कि यार क्या सीरीज बनाई है, और लिटरली एपिसोड सब के सब बहुत ज़्यादा कमाल के थे, लॉन्ग थे। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई सीरीज काफ़ी लॉन्ग होती है तो बोरियत लगती है, पर स्ट्रेंजर थिंग के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हर एक एपिसोड जैसी चालू लगा तो ऐसे ही लगा था कि इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया, पर फाइनली मज़ा आ गया देख के। और बात करी जाए अब इसके अपडेट्स के बारे में, क्योंकि 3 डेज निकल चुके हैं और अपडेट क्या रहा है नेटफ्लिक्स पे। तो सबसे पहले टॉप 5 ट्रेंडिंग में रहा है अभी तक और चल भी रहा है, और आने वाले टाइम में ये टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर ही रहेगा, ये आप सब जानते हो। और नेटफ्लिक्स इंडिया में तो उसका अच्छा खासा व्यूज़ आ ही रहे हैं। और बात करी जाए कि इसकी ओवरऑल कितने कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई, तो 83 कंट्रीज़ में ये रिलीज़ हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और बात करी जाए एक और अपडेट की, जो कि स्ट्रेंजर थिंग के रिलेटिव है, कि 83 कंट्रीज़ में ये इंग्लिश लैंग्वेज में अब तक 287 मिलियन व्यू कर चुकी है और अभी तक आगे बढ़ रहे हैं, लोग इसे देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले एक खिताब था द ब्रिज स्टोन पर अब स्ट्रेंजर थिंग ने इस खिताब को जीत लिया है। अब ये सबसे ऊपर आ चुकी है इंग्लिश लैंग्वेज में 287 मिलियन व्यू में, और अब ये आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और बात करी जाए अब ओबी-वैन केनोबी की, तो भाई दोनों एपिसोड देखे थे। पहला एपिसोड का जो स्टार्टिंग था वो ज़्यादा कमाल का था, मेरे गूब्स वम्स आ गए थे एकदम, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन दिखाया था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। सीरीज धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है बीच में एवरेज लगती है, थोड़ी स्लो डाउन जाती है, पर एंड में बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे ही हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन कराया जाता है जो कि होती है लिया, जो कि बहुत कमाल की और चालक दिखाई है बचपन से, तो मुझे लगता है कि वो आने वाले एपिसोड में और धमाके मचाने वाली है। और अब बात करी जाए इसकी व्यूज़ काउंट की, तो अभी तो कोई ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई है, पर बताया ये जा रहा है कि डिज्नी प्लस पर अब तक जितनी भी सीरीज़ रिलीज़ हुई हैं उसमें ये सबसे टॉप पर है। टॉप पर यानी कि सबसे टॉप पर, और उससे ऊपर अभी तो कोई भी नहीं है। तो ओबी-वैन केनोबी को भी स्टार वॉर्स फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं डिज्नी प्लस पर। आप लोगों को इन दोनों सीरीज में से कौन सी सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आज का एपिसोड भी जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ओबी-वैन केनोबी का, और क्या आप एक्साइटेड है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के वॉल्यूम 2 के लिए, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।